पूरे देश में कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ते देख राज्य सरकार फिर से सतर्क हो गई है और राज्य सरकार ने फिर से स्कूल कॉलेजों को 11 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं जनपद कासगंज में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। आज भी जनपद में 4 नए मरीज मिले, अब तक मरीज बढ़कर 30 हो गए। अब जनपद में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वहीं CMO डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि आज के जनपद में एंटीजन टेस्ट में 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब जिले में मरीजों की संख्या 30 हो गई है। उन्होंने बताया कि इन 4 को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इन मरीजों की केस हिस्ट्री की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी मरीजों के परिजन और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। CMO डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जनपद के लोगों से अपील करते हुए ये कहा कि 45 वर्ष से सभी लोग कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लें। साथ ही सभी नागरिक स्वयं से सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से निकलने पर मास्क अवश्य रूप से प्रयोग करें। कोविड की मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है सर, क्या अब तक कितने मरीज हुए सर? जैसा कि पहले अंदेशा था, होली के अवसर पर लोगों को काफ़ी आवागमन होना था, ये पहले से निश्चित था, तो उम्मीद लग रही थी कि इसका प्रकोप अभी बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग गुजरात और महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं जो कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव केसेस वहाँ पर काफ़ी सारे पाए हुए हैं। अब तक सर कितने मरीज हैं? अब तक हमारे पास में आ चुके हैं 30 मरीज के करीब, 30 मरीज के करीब। सर इसको बचाव को लेकर क्या तैयारी है चुनाव के लिए? सबसे तो अच्छा तरीका ये है कि लोग वहाँ वैक्सीनेशन कराएं, अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाएं, उससे जो टीका लगवाएं, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो इसके जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो करें, भीड़ भाड़ इकट्ठे ना हो, ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो। सर प्रधान के चुनाव है और ऐसे में अभी होली का समय और त्यौहार भी नहीं समाप्त हुआ है, ऐसे में सर जो बढ़ोतरी सामने आ रही है कहीं ना कहीं सर क्या तैयारी है इसको लेकर, किस तरह से सर इस पर लगाम लगाएंगे? हमारी तो तैयारियां हैं, हमने हॉस्पिटल तैयार कर लिया अपना, पूरी हमने पूरा स्टाफ जो है लगा दिया वहाँ पर, और सब स्टाफ की हमने छुट्टी कैंसिल कर दी, कोई भी बिना अनुमति के बाहर नहीं जाएगा, और हमारा हॉस्पिटल तैयार है, और बाकी और भी हॉस्पिटल है जैसे कलावती हॉस्पिटल है उसकी भी हमने तैयारी कर दी।